स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट क्लास में अपन ने क्या करा था। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ी थी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट लिया था अपन ने? एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। उसी में अपन सेकंड केस में चलते हैं। आज अपन सॉल्ट लेंगे एक वीक बेस का और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, और उसकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं तीनों केसेस में, प्योर वाटर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। तो स्टार्ट करते हैं अपना केस सेकेंड, विच इज किसके बारे में देखना है यहां पे हमको? सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का केस लेते हैं। एग्जांपल लेकर चल रहा हूं मैं यहां पे, NH4Cl ये एक सॉल्ट है। तो NH4OH वीक बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब यहाँ पे अगर हम इस तरीके का सॉल्ट ले रहे हैं तो जो यहाँ पे टर्म्स आएंगी, Ks भी तो आएगी सॉल्ट के लिए, दूसरा जो वीक एंटिटी होती है उसका डेटा चाहिए होता है। तो ये अपन सेम ही लेते हुए चल रहे हैं, 1.8 × 10⁻⁵, जो अपन ने Ka लिया था फॉर वीक एसिड। तो सेम चीज अपन वीक बेस के 1.8 × 10⁻⁵ लेके चल रहे। ठीक है, चलो तो इसमें आगे बढ़ते हुए सबसे पहला देखते हैं अपन इन प्योर वाटर। अगर हम वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो क्या केस होगा, देखो उसको यहां पे ध्यान से। प्योर वाटर में तो सबसे पहले तो NH4Cl का डिसोसिएशन मतलब सॉल्युबिलिटी लिख लो, तो वो किस तरीके से आएगा, NH4+Cl-। अभी के लिए सॉल्युबिलिटी विल बी एस एंड एस, क्योंकि और कुछ हमने कंसिडर करा ही नहीं है। तो दिस इज Ksp, और यहाँ पे Ksp अभी के हिसाब से क्या लिखा जाएगा, S square। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि जो weak entity होती है उसका hydrolysis हो सकता है, water है यहाँ पे, तो NH4+ इसका अगर हम hydrolysis कर देते हैं तो ये हो जाएगा NH4OH+H+, और कुछ हो नहीं सकता है। अभी तो हमारा medium neutral है, pure water की हम बात कर रहे हैं। तो इस केस में KH will be Kw/Kb, इसी तरीके से लिखते हैं अगर वीक बेस की एंटिटी को हम हाइड्रोलिसिस करा रहे होते हैं तो। ये हो गया, फिर से वही चीज देखो, 10⁻¹⁴ Kw की वैल्यू, Kb हमारे पास है 1.8 × 10⁻¹⁵। तो अगर मैं एक्सपोनेंट पे ध्यान देता हूं तो दिस इज 10⁻¹⁹, विच इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। ये क्या है, बहुत छोटी वैल्यू। तो यहां से एस, इधर भी ऐसा आया, ठीक है, जो पूरी कॉन्सेंट्रेशन NH4+ की थी वो हमने इधर ले ली। अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो इधर से सर्टेन अमाउंट कम हुई होगी, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे अगर अमाउंट कम हुई है तो क्योंकि ये कॉमन आयन है, वो रिफ्लेक्शन हमको यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हमने S-Y लिख दिया। तो जो न्यू मेरे पास Ksp का रिलेशन आएगा वो S-Y और S लिखा जाएगा, ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड यहां पे अगर मैं KH लिखता हूं इसके लिए तो देखो KH क्या लिखा जाएगा, KH विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+, विच विल बी क्या आएगा, ये Y × Y/S-Y, ये किसकी वैल्यू आई, KH। ये हो गया हमारा सेकेंड रिलेशन और ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। ये एस स्क्वायर इनिशियल केस डिनोट कर रहा है, जब मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कंसीडर नहीं करा था, चाहे तो तुम इसको यहां से हटा दो। तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, और यहां पे ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, इससे मैं ये बहुत इजीली जज कर पा रहा हूं कि ये जो वाई है, वाई विल बी वेरी लेस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने लास्ट केस में कराया था कि किस केस में सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो अगर y बहुत कम है, मतलब यहां से जो अमाउंट कम हुई है वो बहुत ही माइन्यूट कम हुई है, तो रिएक्शन जो फॉरवर्ड जाएगी ड्यू टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड अकॉर्डिंग टू Le-Chatelier प्रिंसिपल, तो ये रिएक्शन की आगे जाने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। तो सॉल्युबिलिटी हाँ बढ़ेगी लेकिन काफी कम, क्योंकि y इज वेरी लेस। क्लियर है, नोट करा जाए इसको। नेक्स्ट केस पे अपन बढ़ते हैं। फिर सेकेंड केस पे चलते हैं इन एसिडिक बफर। ठीक है, अब अपन देखते हैं किसमें एसिडिक बफर।
इन एसिडिक बफर। सेकेंड केस हो गया हमारा, एग्जाम्पल वही है NH4Cl। अब देखते हैं अपन एसिडिक बफर में क्या होगा। इन एसिडिक बफर तो देखो एसिडिक बफर में H प्लस होगा मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहला तो वही KSP के लिए लिख लो, तो NH4Cl सॉलिड, इसके लिए KSP लिखेंगे तो NH4 प्लस और Cl माइनस, इनिशियली S और S रहे, ठीक है। फिर सेकेंड सॉल्यूशन है, हाइड्रोलिसिस का चांसेस तो है ही, वाटर तो कुछ ना कुछ अमाउंट में हो गई, तो जो भी वीक एंटिटी है उसका हाइड्रोलिसिस कंसीडर कर रहे हैं। उसका हाइड्रोलिसिस कंसीडर करते हुए NH4OH प्लस H प्लस, और तीसरी रिएक्शन जो कि एसिडिक बफर की होनी चाहिए, मतलब H प्लस के साथ, लेकिन H प्लस के साथ ये रिएक्ट करेगा नहीं, तो फॉर अ सेफर साइड बेसिक बफर में जो रिएक्शन होती है उसको लिख के रखो, ताकि हम ऑब्जर्व कर पाए कि रिएक्शन कैंसिल कैसे हो रही है। इधर क्या हो जाएगा NH4OH, क्लियर है बात। अब देखो यहां पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एसिडिक बफर में कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, H प्लस का। इसका मतलब इधर प्रोडक्ट में जो H प्लस है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जो मीडियम है वो एसिडिक बफर ही है, तो ये रिएक्शन कैसी हो रही होगी, पीछे आ रही होगी। दूसरी बात, इसके लिए अगर हम KH देखते हैं तो KH क्या था, KW अपॉन KB, और इसका जो एक्सपोनेंट आ रहा था वो 10 टू द पावर माइनस 9 में आ रहा था, तो ये ऑलरेडी रिएक्शन के आगे जाने की टेंडेंसी काफी कम थी, और यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन और बैकवर्ड आ गई, तो ये रिएक्शन को इग्नोर मारो, ठीक। सेकेंड केस OH माइनस के साथ रिएक्शन कंसीडर करिए, जबकि बफर कैसा है एसिडिक, तो OH माइनस तो प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो इस रिएक्शन की भी पॉसिबिलिटी खत्म। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही इक्वेशन आती है, डायरेक्टली वो क्या होगा, KSP विल बी S स्क्वायर, तो इसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ने का कोई भी स्कोप पैदा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पे अमाउंट बन रही है दे आर फिक्स्ड, ये किसी भी तरीके से कम या ज्यादा नहीं हो रही है। तो जो लास्ट वाले केस में बेसिक बफर में केस बना था, यहां पे वो कहां बन रहा है, वो एसिडिक बफर में बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, इन बेसिक बफर, चलो थर्ड केस देखा जाए कि बेसिक बफर में क्या होगा। इन बेसिक बफर, बेसिक बफर में किसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, OH माइनस का, तो पहला रिएक्शन तो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस हम कर नहीं रहे हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन एज इट इज लिख लेते हैं, NH4Cl सॉलिड, ये NH4 प्लस और Cl माइनस आयंस में डिसोसिएट कर रहा है, स्टार्टिंग में सॉल्युबिलिटी विल बी S S। सेकेंड रिएक्शन हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है वीक एंटिटी का, तो वीक एंटिटी इज NH4 प्लस, इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे NH4OH प्लस H प्लस, ठीक है। थर्ड इक्वेशन NH4 प्लस OH माइनस और NH4OH। अब क्योंकि बेसिक बफर है तो इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी तो पूरी पूरी है, OH माइनस प्रेजेंट होगा मेरे पास क्योंकि बफर इज बेसिक। ये जो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, अब यहां पे बात आती है हम KH देखते हैं, तो KH देखा तो KW अपॉन KB, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं 10 टू द पावर माइनस 9 के एक्सपोनेंट में आ रहा है। इसको अगर हम देखते हैं तो दिस इज 1 अपॉन KB और ये 10 टू द पावर 5 के एक्सपोनेंट में आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला एक्सपोनेंट काफी बड़ा है, तो इस रिएक्शन के आगे प्रोसीड करने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दिस। तो आयनिक इक्विलिब्रियम इज ऑल अबाउट किस चीज को कब नेग्लेक्ट करना है, सेकंड वाले ऑप्शन को हमने क्या करा, यहां पे नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब जो मैं दो रिएक्शंस कंसीडर कर रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड हो गए, तो NH4 प्लस S है, वही सारी अमाउंट यहां पे यूज हो रही होगी, इधर से कुछ अमाउंट OH माइनस के साथ रिएक्ट करके NH4OH बना रही है, तो यहां से मैंने उसको कम कर दिया Y, और उतना ही क्या बना होगा Y। तो अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ रही है, इन दो इक्वेशन को लिखते हैं इधर अगर मैं, अच्छा और क्योंकि ये कॉमन आया है तो जो चेंजेस यहां आ रहे हैं वो चेंजेस यहां भी रिफ्लेक्ट करने पड़ेंगे, इधर भी S माइनस Y कर दिया। इधर अगर KSP का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो क्या आ रहा है, S into S minus Y, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड 1 upon KB, तो यहाँ पे 1 upon KB अगर हम लिखते हैं तो वो कितना आ जाएगा, Y upon S minus Y into concentration of OH minus, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। OH minus का कॉन्सेंट्रेशन कहां से आएगा, बेसिक बफर के फॉर्मूले से,
पीओएच का फॉर्मूला लगा के हम ओएच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। अब इधर देखो, यहां पे जो वाई है वो जो हमारा पहला केस था जहां पे हमने हाइड्रोलिसिस कंसिडर करा था, उसके मुकाबले में यहां पे वाई बड़ा होगा क्योंकि यहां पे जो 1 अपॉन के भी आ रहा है दैट इज 10 टू द पावर 5, तो इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में। तो यहां पे जो रिएक्शन आगे जा रही होगी वो इसके कंपैरिजन में काफी आगे गई होगी, तो यहां पे जो वाई है वो कम तो होगा लेकिन इट विल बी मोर एज कंपेयर टू फर्स्ट केस, जो पहला हमने प्योर वाटर वाला केस देखा था उससे ज्यादा होगा। उससे ज्यादा होगा इसका मतलब यहां से NH4+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कम हुआ, तो ये जो रिएक्शन है ये और ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी, तो यहां पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो इस केस के लिए हम ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जबकि हम सॉल्ट ले रहे हैं वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कौन से केस में आ रही है, बेसिक बफर के केस में, क्योंकि यहां पे NH4+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से ये रिएक्शन और आगे बढ़ रही है और वो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो मैक्सिमम विल बी इन बेसिक बफर और मिनिमम सॉल्युबिलिटी किसमें होगी अपनी, जिसमें कि सॉल्युबिलिटी में कोई चेंज ही नहीं आया, और वो कौन सा केस था, दैट इज द केस ऑफ एसिडिक बफर। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो पहला केस पढ़ा था उसके जस्ट अपोजिट ऑर्डर आ गया हमारा सॉल्युबिलिटी का, उस वाले केस में एसिडिक बफर में सबसे ज्यादा थी और बेसिक बफर में सबसे कम, यहां पे वही केस हमारा उल्टा हो गया। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हमने सेकेंड केस पढ़ा जहां पे हमने किसका सॉल्ट देखा, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अपन नेक्स्ट केस पे चलते हैं जहां पे कि हम किसका सॉल्ट लेंगे, हम सॉल्ट लेंगे वीक बेस एंड वीक एसिड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अगला केस हो जाएगा अपना केस 3। इसमें हम क्या ले रहे हैं, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं CH3COOH4, ताकि NH4 वीक बेस का पार्ट हो गया और ये वीक एसिड का पार्ट हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल का सिग्निफिकेंस इतना नहीं है, ये तुम एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, हमको जो यहाँ पे तीन केसेस बना रहे हैं हम उसको बस समझना है कि कैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो इसमें भी वही पहला केस देखते हैं, इन प्योर वाटर। सबसे पहला केस यहाँ पे अपन देखते हैं जब प्योर वाटर में हम इसकी सॉल्युबिलिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वही KSP के लिए लिखा जाए, CH3COOH4। KSP के लिए जब लिखते हैं तो CH3COO- और NH4+ में डिसोसिएट कर जाएगा ये, स्टार्टिंग में ये भी एस और ये भी एस, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पे देखो, यहां पे जो वीक एंटिटी की हम बात कर रहे थे ये दोनों ही वीक है, ये भी वीक है और ये भी वीक है, तो अब हमको इन दोनों का हाइड्रोलिसिस कंसीडर करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ पा रही है, इन दोनों का हाइड्रोलिसिस अगर हमको कंसीडर करना है तो ये हमारा पहला हो गया। सेकेंड, दोनों का हाइड्रोलिसिस लेना है, तो दोनों का हाइड्रोलिसिस साथ में ले लो, CH3CO- NH4+ हाइड्रोलिसिस हो रहा है क्योंकि दोनों वीक एंटिटीज हैं, क्या फॉर्म हो रहा है, CH3COH+ NH4OH। इसका मतलब CH3CO- S था यहां लिख दिया, ये S था यहां लिख दिया, दोनों के दोनों की अमाउंट कुछ कम होगी और उतनी ही अमाउंट इसकी बनेगी। अब अगर यहां से अमाउंट कम हो रही है तो इसका मतलब ये रिएक्शन आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये अमाउंट इधर से ही आई थी, तो अगर यहां कम हो रही है मैं यहां भी रिफ्लेक्ट करूंगा, और ये अमाउंट यहां कम हो रही है तो इसको यहां भी रिफ्लेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पे जो प्रोडक्ट था हमारा उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो ले जाके प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये सारे केसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो सॉल्युबिलिटी इधर बढ़ ही रही है, तो इधर हमको अब ये दोनों इक्वेशन कंसीडर करनी है। ये बात अभी तक समझ में आ गई होगी, ये दोनों इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं तो उधर KSP मेरे पास क्या आ गया, S-Y ((S-Y)) पहला इक्वेशन।
सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इज इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यहाँ पे एसिडिक वीक आयन भी लिया, बेसिक भी। तो इस केस में क्या लिखते थे? के डब्ल्यू अपॉन के डॉट के बी। ठीक, तो यहाँ पे दोनों को लेना पड़ रहा है, दोनों को ले लिया जाए तो क्या लिखा जाएगा? के एच का एक्सप्रेशन, के एच का एक्सप्रेशन हो जाएगा वाई डॉट वाई अपॉन एस माइनस वाई एस माइनस वाई। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन दो वेरिएबल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखो, इधर अगर तुमको के एच नहीं गिवन है तो क्योंकि ये वीक है दोनों, तो तुमको मैंने बता रखा है जो वीक होगा उसके लिए अमाउंट या उसके लिए वैल्यू गिवन होगा, तो तुमको के डब्ल्यू पता ही है 10^-14 होता है। के ए और के बी क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो वहां से बहुत इजीली के एच निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि के एच की अमाउंट तुमको डायरेक्टली दे रखी होगी, के डब्ल्यू के और के बी की हेल्प से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना इसका पहला केस हो गया जब हम किसमें देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। ठीक, इसी में नेक्स्ट केस देखते हैं अपन इन एसिडिक बफर। तो यही एग्जांपल लेकर चल रहे हैं और अब हम देख रहे हैं किसमें, इन एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा मेरे पास? H प्लस का। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन तो बिना सोचे समझे यही लिखना है हमेशा, PSP के लिए CH3COONH4, ये अपने आयंस में डिसोसिएट कर गया CH3CO- और NH4+। सॉल्युबिलिटी S, सॉल्युबिलिटी S। अब इसके आगे देखते हैं, तो क्योंकि सॉल्यूशन बन रहा है तो कुछ ना कुछ अमाउंट वाटर का तो हो गई, तो दोनों को हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन में लिखो CH3CO- + NH4+ + H2O CH3COH + NH4OH। ये हमने हाइड्रोलिसिस भी लिख लिया। फिर एसिडिक बफर मतलब यहाँ पे H+ प्रेजेंट होगा और H+ के साथ इसमें से कौन सी एंटिटी रिएक्ट करेगी? ये वाली। तो CH3CO- + H+ CH3COH। इसके साथ जो कांस्टेंट एसोसिएटेड है वो KSP, इसके साथ जो एसोसिएटेड है वो KH और इसके साथ जो एसोसिएटेड है वो 1/K, क्योंकि हमने एसिड के डिसोसिएशन की अपोजिट रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, अब यहां पे देखो यही सेम चीज उठ के यहां पे आई है, तो S और S अगर कुछ कंज्यूम हो रहा होगा, अब पहले हमको चेक करना पड़ेगा क्या ये दोनों रिएक्शन साथ में साइमल्टेनियसली फीजेबल हैं। तो 1/K ये एक्सपोनेंट आएगा 10^5। यहां पे क्या हुआ, अब हमने दोनों एंटिटीज ली हैं, तो KW अपॉन के डॉट के बी मैं करता हूं, तो उस केस में क्या होगा, KW हमारे पास KW होता है 10^-14, के हमको दे रखा है 10^-5 के एक्सपोनेंट में और केबी भी हमारे पास है 10^-5 के एक्सपोनेंट में। ये स्टिल 10^-4 आ रहा है और ये वाला कितना आ रहा है 10^5। तो अगर इन दोनों रिएक्शंस को मैं कंपेयर करता हूं तो ऑब्वियसली ये वाली रिएक्शन जीत जाती है, इसकी फिजिबिलिटी ज्यादा है, कॉन्स्टेंट ज्यादा होने का मतलब ये ज्यादा आगे जा रही होगी। ठीक है, तो फिर से इस वाले केस में हम इसको इग्नोर करेंगे। तो अब कौन सी दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पहली वाली और सेकेंड वाली? तो इसका मतलब ये पूरी अमाउंट यहां पे कंज्यूम हो रही है, इधर से कुछ अमाउंट H+ के साथ रिएक्ट कर गई लेट्स से Y, तो उतना ही अमाउंट Y यहां पे बना होगा। तो अब किन दो रिएक्शन की हेल्प से हमको इसको सॉल्व करना है? अच्छा, और ये यहां पे चेंज हुआ है तो ये रिफ्लेक्शन यहां पे भी आना चाहिए। तो इधर अगर मैं KSP के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं S माइनस Y इंटू S और यहां पे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 1/KA के लिए Y अपॉन S माइनस Y इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और इधर H+ ये कहां से आएगा हमारे पास? इट विल बी फ्रॉम एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का फॉर्मूला यूज करेंगे pH वाला और वहां से H+ का जो तो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इनको सॉल्व करेंगे और आंसर निकाला जाए। क्लियर है? ठीक है, सिमिलरली इसका थर्ड केस देखते हैं जहां पे किसको देखना होगा, बेसिक बफर को डिस्कस कर लेते हैं अपन। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो अमाउंट कम हो रही है वो इस रिएक्शन से कम हो रही है और इसके लिए जो कॉन्स्टेंट आ रहा है वो 10^5 है,
मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी वो इससे पहले वाला केस जो प्योर वाटर का था उससे ज्यादा होगी, उससे ज्यादा होगी तो यहाँ से मतलब ज्यादा अमाउंट कम हुई है, तो ये रिएक्शन पहले वाले केस से जो प्योर वाटर का केस था उससे ज्यादा फॉरवर्ड गई होगी। तो यहाँ प्योर वाटर से सॉल्युबिलिटी थोड़ी बढ़ी है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। फिर अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक बफर। चलो बेसिक बफर क्या हो अगर देखा जाए, तीसरा केस इन बेसिक बफर। बेसिक बफर में किसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा? ओ एच माइनस। तो पहला रिएक्शन तो सेम ही है हर बार, सी एच थ्री सी ओ एन एच फोर, ठीक है, ये अपने आयंस में डिसोसिएट करेगा, सी एच थ्री सी ओ माइनस प्लस एन एच फोर प्लस, स्टार्टिंग में सॉल्युबिलिटी एस और एस। इसके साथ जो कांस्टेंट एसोसिएटेड होगा दैट विल बी केएसपी। सेकेंड इक्वेशन सॉल्यूशन है तो हाइड्रोलिसिस कंसीडर कर ही लेते हैं, सी एच थ्री सी ओ माइनस एन एच फोर प्लस प्लस वॉटर, ये सी एच थ्री सी ओ एच प्लस एन एच फोर ओ एच बन गया। यहाँ पे जो कांस्टेंट एसोसिएटेड होगा दैट विल बी केएच, हाइड्रोलिसिस लिखा है। दोनों को क्यों ले रहा हूं ये क्लियर ही होगा क्योंकि वीक एंटिटीज यहाँ पे दोनों है तो वीक एंटिटीज का हाइड्रोलिसिस होता ही है। अब की बार देखो सॉल्यूशन में OH माइनस है तो OH माइनस किससे रिएक्ट करेगा? NH4 प्लस। तो थर्ड इक्वेशन हम लिख लेते हैं, NH4 प्लस OH माइनस गिव्स NH4 OH। काफी सारी जगह पे एसिड वाली रिएक्शन भी लिखी हुई मिल सकती है, लिखने में कोई गलती नहीं है, उसको अल्टीमेटली हम इग्नोर ही करेंगे, ठीक है, लेकिन क्यों लिखना जब हमको पता है बेसिक बफर है और OH माइनस होगा यहाँ पे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ जो एसोसिएटेड होगा कांस्टेंट वो क्या हो जाएगा? वन अपॉन के बी। ठीक है, फिर से वही केस देखो यहां पे। अब अगर मैं कंपेयर करता हूं तो के एच यहां पे क्या होगा? के एच विल बी के डब्ल्यू अपॉन के डॉट के बी, और ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ आएगा, और यहां पे वन अपॉन के बी अप्रोक्सीमेटली 10⁵ आएगा, क्योंकि मैं वैल्यू क्या लेता हुआ चल रहा हूं, ये वैल्यू के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वीक एसिड हो या वीक बेस हो उसके लिए वैल्यू हम ये मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 10⁵। तो इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो दिस रिएक्शन इज मोर फिजिबल, तो इसको इग्नोर मारा। ठीक है, अब इधर क्या हो रहा है? ये पूरा का पूरा एस यही यहां पे यूज हो रहा होगा, इधर से कुछ अमाउंट रिएक्शन में गई और वही अमाउंट यहां पे बन। सेम केस एकदम, ये वाली रिएक्शन जो है प्योर वाटर के मुकाबले में ज्यादा वाई को यूज कर रही होगी, तो यहाँ पे भी प्योर वाटर के मुकाबले में सॉल्युबिलिटी बढ़ी है। कौन सी दो इक्वेशन? अच्छा, यहाँ पे जो चेंज हुआ है वही सेम चेंज यहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए, रिफ्लेक्ट कर दिया। के एस पी क्या लिखा जाएगा? एस इंटू एस माइनस वाई, इधर के एस पी सॉरी इधर वन अपॉन के बी क्या लिखा जाएगा? वाई अपॉन एस माइनस वाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। ये कॉन्सेंट्रेशन कहां से आएगी? बफर के फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, इतनी देर से हम सेम ही चीज पढ़ रहे हैं। तो ये सारे केसेस अपन ने यहाँ पे कवर कर लिए कि किस किस केस में क्या क्या हो सकता है। पहले दिन हमने पढ़ा था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस, आज हमने पढ़ा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, और तीसरा केस वीक बेस एंड वीक एसिड। फोर्थ केस जो आता है स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो देखो उसमें हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन का कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि उसमें कोई वीक एंटिटी होगी नहीं तो वहां पे हाइड्रोलिसिस होगा नहीं। बचा बेसिक बफर और एसिडिक बफर, तो अगर सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बफर सॉल्यूशन का सेंस ही खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि उस केस में फिर एच प्लस या ओ एच माइनस सारा का सारा जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है वहीं से लेना है, तो ऐसे केसेस में बफर बनता ही नहीं है। बफर बनता भी किस केस में था? इस केस में हमारे पास क्या होता है? वीक एंटिटीज होती है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग